हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग आपको दिखाने वाले हैं यहाँ के जो दो बहुत ही फेमस शॉपिंग स्टोर्स हैं यूएस के, उनमें से एक है वॉलमार्ट और एक है कॉस्को। तो अभी इस वाले वीडियो में आपको कॉस्को का टूर करवाने वाले हैं, और अभी तो हम लोग बस रास्ते में हैं, पहुँचने को है। मैं आपको दिखाती हूँ रास्ता। अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है और बढ़िया ग्रीनरी मिली हमको रास्ते भर। और तो यहाँ पर क्या है ना, कॉस्को में सारी मेनली ये पॉपुलर है क्योंकि होलसेल प्राइस में यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं, और यूजुअली लोग वही चीज़ें लेते हैं जो उन्हें बल्क में चाहिए होती है। बट एनीवे, हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको दिखाएंगे, रेट्स उनके किस हिसाब से मिलता है, और चलते हैं, फिर जब पहुँचेंगे तो बात करेंगे। तो आ चुके हैं हम लोग कॉस्को के पार्किंग लॉट में। ये जो आप देख रहे हैं, ये पार्किंग सोली डेडिकेटेड टू कॉस्को है। अच्छा, जब एंटर करते हैं ना मेन गेट से, तो यहाँ पर दो सामने गेट नज़र आएंगे आपको, एक एंट्रेंस वाला और एक इसके राइट साइड में एक और गेट है। तो हम पहले वहाँ चलते हैं। ये गेट जो मैंने दिखाया था राइट साइड वाला, वो डेडिकेटेड है रिटर्न सेक्शन के लिए। मतलब अगर आपको कोई सामान रिटर्न करना है, देन यू हैव टू कम टू दिस काउंटर। और यहीं पर मेंबरशिप के काउंटर्स भी बने हुए हैं। कॉस्को के लिए आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है पहले, जो अराउंड $60 और $120 के दो प्लान्स होते हैं पर ईयर के हिसाब से, एंड देन यू कैन चूज जो आपको ठीक लगे। तो एंटर करने के साथ ही जो पहला सेक्शन हमको यहाँ दिखता है, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो टेलीविजन्स काफ़ी सारे नज़र आएंगे आपको एंटर करते से ही। जिस पर्टिकुलर स्टोर पर हम लोग गए थे, वहाँ पर जाते से ही सबसे पहले टेलीविजन्स ढेर सारे मिल जाते हैं, और उसमें आपको ढेर सारी वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्राइजेस, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है अभी 77 इंचेस की एक टेलीविज़न है, विच इज़ कॉस्टिंग अराउंड $2600। और अगर हम इसको INR में देखें तो ये लगभग 216,000 की टीवी आपको पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि सारे ही इतने एक्सपेंसिव हैं, आपको बहुत कम रेंज से स्टार्ट होते हुए टेलीविजन मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमको और भी कई सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे ये लगभग $150 की ईयरबड्स हैं, $150 मतलब लगभग 12,500 रुपये। और आपको हेडफोन्स मिल जाएंगे, आपको मोबाइल फ़ोन्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो मैं करेंसी को कन्वर्ट कर रही हूँ, ये एज इन सेप्टेम्बर 2023 के हिसाब से मैंने किया है, तो लगभग 83 रुपीज़ का एक डॉलर चल रहा है अभी। एंड देन यहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स और जो अवन होते हैं, वो सारे आपको जो कुकवेयर होते हैं वो सारे मिल जाएंगे, अच्छे वैरायटी के और डिफरेंट वेरिएशंस में, अलग अलग कॉस्ट रेंजेस में आपको यहाँ पर सबकी वैरायटी मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे ये कुक टॉप है आपके सामने, इसकी रेंज है लगभग $1300। इसको हम देखें तो लगभग 1,08,000 के आसपास से पड़ता है। वॉशिंग मशीन की ढेरों वेराइटीज़ हैं, फ्रंट लोड और टॉप लोड आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किचन वेयर के भी काफ़ी सारे वेराइटीज़ मिल जाएंगी, सारी चीज़ें लगभग मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर्स और जो ब्लेंडर्स होते हैं वो सारे रखे हुए हैं। प्राइजेज़ मैंने कोशिश की है कि सबके जो प्राइस है वो मैं कैप्चर कर पाऊँ कैमरा में, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। रफ एस्टिमेशन के लिए आप उसको मोटा मोटा 80 से मल्टीप्लाई करके आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना लगभग पड़ता है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। ओके, यहाँ पर बहुत सारे आपको ओवन्स और एयर फ्रायर वगैरह भी मिल जाएंगे। तो बेसिकली सारी रेंज इन्होंने कवर की हुई है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं, ये 11 पीस कुकवेयर सेट है ये, और ये लगभग $100 का है, $110 के आसपास। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 120, जो भी आप मतलब उसी रेंज के हिसाब से आपको सारे यहाँ पर कुकवेयर मिल जाएंगे। ये एक अलग चीज़ नज़र आई जो थी पॉपकॉर्न मेकर, $30 का था ये, लगभग 2,500 रुपये का, और इसमें आप कॉर्न डाल करके और फिर पॉपकॉर्न डायरेक्टली बना सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे कंटेनर सेट्स भी हमको मिले, काफ़ी खूबसूरत बच्चों के हिसाब से। देन ऑर्गेनाइजर्स थे, ये जो आप देख रहे हैं ये वुडन ऑर्गेनाइज़र है, बैम्बू से बनाया गया है। कॉस्ट भी मैंने यहाँ पर दिखाई हुई $30 की, लगभग 2,500 रुपये के हिसाब से। ये स्पून्स के सेट हैं, जो 20 पीसेस की स्पून्स हैं, उसमें अलग स्पैचुलाज और सारी चीज़ इंक्लूडेड हैं। देन ये भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, विच आर मेड अप ऑफ बैम्बू अगेन। तो ये थोड़े से एस्थेटिक से लगे, अलग से लगे, इसलिए मैंने इनको इनको कैप्चर किया, इसका फुटेज ले लिया ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे भी नहीं है। जैसे ये भी एक बैम्बू की बिन है, ऑर्गेनाइजर्स में ही इसको भी कंसिडर करेंगे हम।
इसके अलावा आपको क्रॉकरी सेट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी में मिलेंगे। जैसे $50 का सेट है, इसमें लगभग 16 पीसेज हैं, तो $50 मतलब लगभग 4000 के आसपास पड़ा, 4000 से कुछ ज़्यादा। इसमें बहुत वैरायटी आपको मिल जाएंगी, ये सेरेमिक के बने होते हैं, डिफरेंट शेप्स और अलग अलग कंट्रास्ट में कलर्स उनके। फिर आगे चल के आपको ब्लैंकेट्स एंड देन गद्दे, जो मैट्रेसेस होते हैं, वो सब मिल जाएंगे। जैसे ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये सारे टॉवल्स के सेक्शन हैं, तो ये मैंने बताया था कि बल्क में यहाँ पर लिया जाता है, तो ये सेट्स में आपको मिलेंगे। वेरी करता है सब कुछ, जैसे 6 पीसेस का सेट भी हो सकता है, 4 पीसेस का सेट भी हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये 6 पीसेस ऑफ टॉवल्स हैं, लगभग 2500 के, लगभग $30 के। ये भी सारे टॉवल्स ही हैं, अलग प्रिंट्स और अलग डिज़ाइंस में हैं, और साइजेस ऑफ कोर्स उनके वेरी करते हैं, मोस्टली ये सेट्स में ही आते हैं। जैसे ये बेड शीट्स हैं आपके सामने, और यहाँ पर ना बहुत ही लाइट और पेस्टल कलर्स ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो आपको उसी तरह के बेड शीट्स या कर्टेंस वगैरह जो भी आप देखेंगे उसी तरह के दिखेंगे आपको, पेस्टल शीट्स। जो पैलेट होता है इनका बहुत ही लाइट कलर्स का होता है, तो ये सारे बेड शीट के सेट्स हैं। जैसे ये 6 पीसेस ऑफ बेड शीट्स हैं, लगभग $17 की, वो पड़ता है मोटा मोटा 1500 रुपये के आसपास। सिमिलरली आपको ये और सेट्स मिल जाएंगे, वो वेरी करता है। यहाँ पर आपको ब्लैंकेट्स मिल जाएंगे सिमिलर रेंज में, और कारपेट्स की बहुत वैरायटी है यहाँ पर, अराउंड $200 का पर पीस पड़ता है। फिर अगेन वो साइज़ के हिसाब से वेरी करता है, $200 को हम अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 16000 रुपये पड़ते हैं। अच्छा, ये टॉयलेट सीट मुझे दिखी, ये पूरा सेट है जो 2 पीसेज में आता है, और इसका जो कॉस्ट है इसमें यहाँ पर वो है अराउंड लगभग $200, तो अगेन लगभग 16000 के आसपास ही पड़ता है। तो घर गृहस्थी के सामान के बाद यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक वैरायटी मिल जाएंगी सब चीज़ों की, हर तरह के फल और सब्ज़ियाँ आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये कुछ मैंने इमेजेस लिए हैं प्राइसेस के, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगे कि क्या रेट्स चलते हैं यहाँ पर, और आप ऊपर देख सकते हैं सब जगह में टैग्स लगे हुए हैं उसके हिसाब से। ये नींबू है जैसे फॉर एग्जांपल, और ये आपको शिमला मिर्च के ढेर सारे, जो कैप्सिकम के ढेर सारे वैरायटीज़ अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेप्स में, इन्हें यहाँ पर पेपर कहा जाता है, बेल पेपर, ये वाले बेल पेपर होंगे जो राउंडेड होते हैं, तो ये आपको अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। यहाँ पर सारे तरबूज और खरबूज, इन सब की वैरायटी मिल जाएगी, देन ऑफ कोर्स उनकी भी ब्रीड्स अलग अलग होती हैं, तो फिर उनका प्राइस वेरी करता है। फिर यहाँ पर फ्रेश प्रोड्यूस का सेक्शन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ये लोग, बहुत लो टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर सारे फ्रेश, एकदम फ्रेश जो चॉप्ड सब्ज़ियाँ या फ्रूट्स होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं, तो एकदम जो सुपर बिजी लोग हैं या बहुत ही आलसी लोग हैं उनके लिए होता है कि सब्ज़ियाँ सारी कटी हुई है, वेजिटेबल ट्रे जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ कटी हुई हैं, यू जस्ट हैव टू बाय इट और खोल के और बस खाना शुरू कर देना। ये फ्रूट्स हैं जो चॉप करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो ये यहाँ पे बहुत सहूलियत होती है लोगों के पास। देन अगेन यहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट्स के जो बेरीज़ होते हैं उनके हर तरह के टाइप्स मिल जाएंगे। जैसे ये ग्रेप्स हैं, तो इनके 3-4 वेराइटीज़ आ रही हैं, रेड वाले हैं, ब्लैक वाले हैं, ग्रीन वाले हैं, और प्राइसेस भी मैंने मेंशन किए हुए हैं ऊपर, आप पॉज करके देखिएगा वीडियोस में अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो। सबका प्राइस बताना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ये सारे बेरीज़ आ गए, स्ट्रॉबेरीज़ आ गए, रसबेरीज़ आ गए, यहाँ पे 70 की बेरीज़ आपको मिल जाएंगे, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी। ये जो सेक्शन है ना सामने, ये ड्राइड फ्रूट्स हैं, एप्रिकॉट, डेट्स, मैंगोज, तो ये सारे ड्राइड फॉर्म में हैं और इनको आप डायरेक्टली लेकर के कंज्यूम कर सकते हैं। देन कॉस्को की अपनी एक बेकरी भी है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ सामने, तो ये इनके पास हर तरह के केक्स हैं, मतलब साइज़ छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर तरह के फ्लेवर्स। और हाँ, एक इसका डाउन साइड ये है कि ये एगलेस केक्स शायद नहीं बनाते हैं, इनकी जो बेकरी इनके पास नहीं रहते हैं अवेलेबल, पर हाँ बेकरी का इनके पास ह्यूज कलेक्शन है और हर तरह की चीज़ें, मतलब बेकरी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, केक्स, बिस्किट्स, देन मफिन्स, देन आप बस यू जस्ट नेम इट, आप कुछ भी बोलिए, बेकरी का सारा सामान यहाँ पे मिलेगा, ह्यूज कलेक्शन है। देन इन सब चीज़ों के साथ आपको यहाँ पे फर्नीचर्स भी मिलेंगे, ये देखिए एक चेयर यहाँ पर रखी हुई है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, और यहाँ आपको ढेर सारा कलेक्शन मिल जाएगा फर्नीचर्स का, बेड्स, कॉट्स से लेकर के और चेयर से लेकर के, टेबल से लेकर के, सब कुछ मिलेगा।
फिर यहाँ पर स्नैकिंग के ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, पैकेज फूड के, चिप्स से लेकर के वेजी स्टिक्स, बिस्किट्स, कुकीज़, एवरीथिंग, सारे स्नैकिंग के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फाइनली यहाँ पे चॉकलेट्स का सेक्शन आता है जहाँ पे ह्यूज वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स हैं। एंड ये मैं आपको दिखा रही हूँ डेयरी वाला सेक्शन है, यहाँ ये अगेन टेम्परेचर मेंटेन होता है, यहाँ पर काफ़ी लो टेम्परेचर ये लोग रखते हैं। और यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात है, वीगन मिल्क आपको मिल जाएगा, आपको हर तरह का वीगन मिल्क यहाँ पे मिलेगा। ये आमंड मिल्क सामने दिख रहा है, सोया मिल्क मिल जाएगा, देन ये ए टू स्पेसिफिक मिल्क होता है वो भी आपको दिखेगा। डेयरी सेक्शन के बाहर फिर ये फ्रूट जूस का सेक्शन है जहाँ पर लगभग हर तरह के फलों का रस आपको मिलेगा, हालांकि ये होते हैं पैकेज्ड तो फ्रेश जूस तो नहीं होता है, पर हाँ वो लिखते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ दी रॉ फ्रूट जूस होता है, तो बेसिकली वो रस ही है, फलों का रस ही है जिसको उन्होंने स्टोर करके रखा है। तो यहाँ आपको हर तरह के फ्रूट्स, आपको हर तरह के फ्रूट जूस मिलेंगे, जैसे ये आपको कोकोनट वाटर मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इधर। यहाँ पर आपको नज़र आएगा डिटर्जेंट का सेक्शन, तो ये जैसे टाइड हम लोगों के यहाँ मिलता है, आई डोंट नो इसका इंडिया में कितना पड़ेगा रेट इसका इतने बड़े बॉटल्स का, बट यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये लगभग $30 के आसपास का एक बॉटल पड़ता है। ये सारे हैं डिस्पोजेबल्स जो कंटेनर्स होते हैं, यूजुअली लोग यहाँ पर पार्टीज़ अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो अपने घरों में करते हैं, एंड देन यहाँ पर एक अच्छा खासा कलेक्शन होता है डिस्पोजेबल्स का भी। ये सेक्शन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैरायटी में जो चीज़ शॉप की जाती है वो है, विच इज़ द टिशू पेपर्स, और ये पूरा भरा पड़ा हुआ है सेक्शन, टिशू पेपर्स एकदम लोडेड है, आपको वैरायटी ऑफ टिशू पेपर्स यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेड्स हैं ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के, अलग अलग फ्लेवर्स के, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, कैरमलाइज्ड एंड वॉट नॉट। यहाँ इस सेक्शन में आपको फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलेंगे, ये मैंने एक मटर का पैकेट लिया है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। देन यहाँ आपको पिज्ज़ा की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, आपको कुछ करना नहीं है, बस लेके जाना है, उसको अवन में हीट करना है, एंड देन यू जस्ट हैव टू हीट इट। अवन आपको मिल ही जाता है किचन में, तो लोगों के लिए बहुत शायद हसल फ्री होता है, तो लोग इसको फ्रीक्वेंटली यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ हमको एक और चीज़ दिखी जो पहली बार हम लोगों ने देखा, वेजिटेबल फ्राइड राइस का एक रेडी टू ईट टाइप का एक ऑप्शन था। देन अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो यहाँ पे लार्ज वैरायटीज़ की भी है, और ये आप प्राइस कंपेयर करना है, मतलब इंडिया में कितना पड़ता है और यहाँ पे कितना पड़ता है, इसमें सामने आपको नज़र आ ही जाएगा। तो कोक, माउंटेन ड्यू, मॉन्स्टर, सेवन अप, पेप्सी, सब तरह के आपको कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगे यहाँ पर। देन यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है ये है स्टारबक्स का फ्रैपेचिनो, तो ये भी आपको मिल जाएगा आराम से इधर पर। लिप्टन की चाय जो अपने आप बहुत पॉपुलर है वो भी यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो प्री मेड अनकुक्ड रोटी होती है, चपाती होती है, वो भी यहाँ पर काफ़ी बल्क में मिलती है, तो कई सारे लोग जो नहीं बना पाते हैं वो यहाँ से सीधे लेकर जाते हैं और उसे सीधे हीट कर देते हैं। देन आपको ड्राई फ्रूट्स का अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाएगा, नट्स एंड सीड्स का, इनका प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। अगर मैं आमंड्स और वॉलनट्स की बात करूँ, इनका अगर हम प्राइस देखेंगे इट्स अराउंड $8 and $10, तो वो ठीक ही है, मतलब 700-800 रुपये के आसपास पड़ता है, लगभग 1 किलो या 1.25 किलो के आसपास। फिर यहाँ पर रोज़मर्रा के खाने की चीज़ें जैसे कि शुगर के बड़े बड़े पैकेट्स आपको मिल जाएंगे, वो आटा होता है, रिफाइंड फ्लावर बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो आपको मिल जाएगा, ये सब उसी के पैकेट्स हैं, ऑल पर्पज़ फ्लावर। घी का काफ़ी अच्छा कलेक्शन, मतलब काफ़ी बड़ा कलेक्शन यहाँ पर होता है, और ये सारे के सारे इंडियन ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि ये आपको नानम घी दिख रहा है विच इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। देन आपको यहाँ पर नमक, हिमालयन सॉल्ट, काला नमक, सेंधा नमक, ये सब मिल जाएगा, रॉक सॉल्ट मिल जाएगा, ब्लैक पेपर मिल जाएंगी, और एक और चीज़ मुझे दिखी यहाँ पर ये लाल मिर्च, रेड पेपर का क्रश्ड वाला जो था, ये प्रोडक्ट ऑफ इंडिया हमें यहाँ पर नज़र आया। देन आपको ऑयल का बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, सबके रिफाइंड और वर्जिन वर्जन, कोल्ड प्रेस्ड वर्जन सब मिलेंगे। तो ऑयल, ये सब बेसिक जो खाना है, ऑयल, आटा, चावल, ये सब आपको आराम से भरपूर मात्रा में यहाँ पर मिल जाता है। टमेटो सॉस का भी काफ़ी कलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ तो टमेटो सॉस के बिना काम ही नहीं चलता है, लोग पिज्ज़ा बर्गर ही खाते हैं, तो ये तो बहुत एसेंशियल हो जाता है, और भी तरह के सॉसेज मिल जाते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ये सारे चावल हैं, ये कर्कलैंड एक ब्रांड है कॉस्को का खुद का, मतलब कॉस्को का खुद का प्रोडक्ट होता है कर्कलैंड के नाम से। तो ये चावल जो थे वो वही थे, उसी के अपने खुद के ब्रांड के थे। यहाँ पर आपको सारे फर्मेंटेड फूड मिलेंगे, जैसे ऑलिव्स हो गए, तो उनको फर्मेंट करके यहाँ पर स्टोर किया जाता है, पिकल की तरह उसको यूज़ करते हैं लोग। फिर आपको मैक्रोनी और पास्ता की भी बहुत वैरायटी मिल जाएगी यहाँ पर, पैकेज्ड फॉर्म में ऑफ कोर्स। यहाँ आपको न्यूटेला का अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाएगा, ये भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ बटर्स भी बहुत पॉपुलर हैं, नट बटर्स, जैसे पीनट बटर हो गया, आमंड बटर हो गया, कैश्यू बटर हो गया, तो हर तरह के नट बटर्स बहुत अच्छे, उनका अच्छा खासा स्टॉक होता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमको एक सेक्शन मिला जहाँ पे हमको बुके मिले, फ्लावर्स मिले, काफ़ी सारे थे, मैंने थोड़ा ही रिकॉर्ड कर पाई, $20 का एक बुके था। देन ऑफ कोर्स वी हैड दिस कलेक्शन ऑफ चॉकलेट्स, तो सारे जो फेमस ब्रांड्स होते हैं चॉकलेट्स के, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर। और प्राइस, इनका जो प्राइस होता है वो भी मैंने कोशिश की कि मैं उनको रिकॉर्ड कर पाऊँ। फिर आपको जो ड्राई फ्रूट्स और नट्स होते हैं वो भी मिलेंगे चॉकलेट कोटेड, जैसे यहाँ पे रेजिन्स थे, आमंड्स थे। और हम लोग जब गए थे ना, तो अभी इस समय फेस्टिव सीजन्स की जो शॉपिंग होती है वो यहाँ पर उनका कलेक्शन आना शुरू हो गया है, तो हमको काफ़ी खूबसूरत होम डेकोर आइटम्स दिखाई दिए, जो अभी क्योंकि यहाँ तो हेलोवीन आएगा, देन थैंक्स गिविंग आएगा, क्रिसमस आएगा, तो अभी से सारा कलेक्शन स्टार्ट हो गया आना। तो अभी तो बहुत कम कलेक्शन थे, बट हाँ कलेक्शन थे और अच्छा लग रहा था, कलरफुल सा, वाइब्रेंट सा, ब्राइट सा एनवायरनमेंट था वहाँ पर। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, जैसे ये तीन हिरण का परिवार है, तीन हिरण है ये, इट्स अराउंड $200, तो लगभग 16,000 के आसपास पड़ता है ये। वैसे ही यहाँ पर आपको स्नोमैन दिख जाएंगे और क्रिसमस ट्रीज भी आ गए थे इनफैक्ट। ये भी सारा होम डेकोरेशन का आइटम यहाँ पर मिलेगा, ये है तो सब टॉयज के टाइप की चीज़ें, बट हाँ देवर अट्रैक्टिव एंड होम डेकोर के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। ये सारे पीसेस $50 ईच हैं, तो लगभग पड़ा ही है 4,000 के आसपास पर पीस। और ये $100 में जीसस क्राइस्ट का पूरा एक पिक्टोरियल, यहाँ पर भी कुछ होम डेकोर के आइटम्स थे विद स्पार्कल एंड जो डिज्नी के कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ में बनाया गया था। इट वाज क्यूट, अच्छा था। लैंटर्न्स भी थे जो इसी तरह से बनाए गए थे, और कुछ इस तरह के हर्ट्स वगैरह भी बनाए गए थे होम डेकोर की तरह, तो अच्छा था, मतलब होम डेकोर का तो अच्छा आइटम था। ये सारा हेलोवीन इंस्पायर्ड है बाय द वे, डिज्नी का, डिज्नी थीम पर हेलोवीन इंस्पायर्ड। और ये हमको बहुत अच्छी चीज़ मिली, हमको दिवाली स्पेशल पेस्ट्रीज एंड कुकीज़ यहाँ पर नज़र आईं। तो फाइनली कॉस्टको का जब एंड करते हैं अपन, तो लास्ट में टुवर्ड्स द बिलिंग काउंटर यहाँ पर एक फार्मेसी का सेक्शन है, जहाँ पर आप मल्टीविटामिन्स और बाकी के जो भी OTC मेडिसिन होते हैं वो आप यहाँ पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा बिलिंग काउंटर के पास की लाइन लगी हुई है, यहाँ पर आपको सेल्फ चेकआउट करना होता है या फिर आप काउंटर पे भी जा सकते हैं। फाइनली कॉस्टको का यहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट जैसा भी है। लास्टली यहाँ पर आप तो देख रहे हैं, दिस इज़ गैसोलीन, ये गैस स्टेशन है कॉस्टको का, यहाँ पर आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा सकते हैं, तो काफ़ी रश होता है यूजुअली यहाँ पर। हो गया हम लोगों का शॉपिंग, हो गई टूर, हो गया, तो आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया लगा होगा क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे प्राइजेज होते हैं यहाँ के, और पॉपुलर स्टोर्स में से एक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉस्को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक, तब तक बाय बाय।